Welcome class 10th in online classes of chemistry. I am K.N. Mishra, your chemistry teacher. Students, we are revising and present acids, bases and salts. Today I am going to tell you the importance of the significance of acids in our daily life, in our daily activity. Many importances of pH given in book. First of all, are plants and animals pH sensitive? ये heading आपकी book में दी हुई है. क्या इसका answer होगा? Yes. All animals and plants are pH sensitive. Even our soil is also pH sensitive. कभी कभी soil में ये अलग से heading है आपकी book में. What is the pH of the soil in your backyard? तो आपके backyard में आपके घर में जो भी थोड़ी सी ओपन जगह होगी जहाँ पे आप प्लांट्स लगाते होंगे, कोर्ट यार्ड भी उसको कहते हैं, ठीक है, वहाँ के सॉइल का पीएच कैसा होता होगा? अगर वहाँ का पीएच कम है, मतलब वो सॉइल अगर बेसिक है या वहाँ का पीएच अधिक है, वो सॉइल अगर एसिडिक है, तो उसमें हम डिजायर्ड प्लांट को ग्रो नहीं कर सकते, बिकॉज growth of plants takes place only at certain pH level. So, pH of soil is of equal importance. Now, next heading is given in our book, pH in our digestive system. In our digestive system, in our alimentary canal, stagnant pH is maintained because the enzymes which are responsible for digestion of food can function only at a fixed pH. So pH in our digestive system is maintained. Now pH change is the cause of tooth decay. ये भी एक खास बात लिखी हुई है. हमारे टूथ में जो फूड रात में फूड के जो पीसेस यहाँ रह जाते हैं टूथ में, तो उनमें नाइट में क्या होता है, हमारे माउथ में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, पार्शियली उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक. तो जो शुगर है वो शुगर का ब्रेकडाउन पार्शियली हो जाता है ग्लूकोज में. ड्यू टू दिस रीजन टूथ डीके टेक्स प्लेस. सो पीएच इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर टूथ डीके इन आवर बॉडी. Now next heading is given, self defense by animals and plants through chemical warfare. Self defense भी plants और animals करते हैं. कैसे? इसी heading में आपकी book में nettle plant का example है. Nettle plant एक ऐसा plant है जिसके पास natural sting होता है, ठीक है. दिस नेटल प्लांट यहाँ अपने बुक में देखें, ये लीव्स है नेटल प्लांट की, लीव्स ऑफ नेटल प्लांट. दीज लीव्स ऑफ नेटल प्लांट इज हैविंग सम हेयर्स, दीज हेयर्स आर कॉल्ड स्टिंग हेयर्स. और इस नेटल प्लांट के स्टिंग में एक खास तरह का एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड. तो इस टॉपिक की हेडिंग क्या थी, ये लिखा हुआ है कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो सेल्फ डिफेंस कैसे ये करते होंगे, एक एग्जांपल से आपको बताते हैं. जैसे आपकी बुक में नेटल प्लांट लिखा हुआ है, अगर एक्सीडेंटली उस नेटल प्लांट के पास से आप गुजर जाइए, तो नेटल प्लांट के जो स्टिंग हेयर्स हैं वो आपकी स्किन को टच करेंगे और उसके बाद तो फिर मज़ा आएगा. तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मेथनोइक एसिड है इसमें, इसके स्टिंग में मेथनोइक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी बेस उस जगह पर अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन ये जो प्लांट है नेटल प्लांट, ये फॉरेस्ट का प्लांट है, वाइल्ड स्पीसीज है ये. तो वाइल्ड में हम कहाँ जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड खोजने, कहाँ पर हम जाएंगे कोई भी बेस खोजने? तो नेचर ने क्या किया है, इस नेचर ने जहाँ पे ग्रो किया है नेटल प्लांट को, उसी के आसपास ही अगर हम ध्यान दें तो एक और प्लांट ग्रो करता है जिसको हम कहते हैं डॉक प्लांट. यहाँ बोर्ड पे हमने लिखा है डॉक प्लांट.
तो जब नेटिव प्लांट की स्टिंग से कोई रिएक्शन हुआ हो हमारे बॉडी में, तो हमको डॉग प्लांट की लीव्स का एक्सट्रैक्ट उस जगह पे अप्लाई करना चाहिए। अगर डॉग प्लांट की लीव्स का एक्सट्रैक्ट हम उस जगह पे उस लोकल एरिया पे अप्लाई करते हैं तो इफेक्ट जो है नेटिव प्लांट के स्टिंग का वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये नेचर ने अरेंजमेंट दिया है न्यूट्रलाइजेशन का, और ऐसे ही न्यूट्रलाइजेशन हम लोग पढ़े भी हैं इस चैप्टर में। एसिड बेसिस को जब हम कंबाइन करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी बुक में दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है नेटल प्लांट के बाद, इस टेबल को याद करना है आपको। इसमें कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं एसिड्स के, और कौन से नेचुरल सोर्स में सॉरी कौन सा एसिड मिलता है ये आपको याद करना है, पूछा जाएगा एग्जाम में आपके, ठीक है। इसके बाद सॉल्ट्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो में पढ़ेंगे। आज आप जितना भी एसिड्स और पीएच और पीएच का इम्पोर्टेंस जितना भी आज पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करो। दिस इज योर होमवर्क। स्टे होम स्टूडेंट्स एंड बी सेफ। थैंक यू क्लास टीचर।